नमस्कार। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ है या नहीं है, ये विषय के बारे में आज का वीडियो है। एक अमेरिकन कंपनी है डेलबार, उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर एस्टैब्लिश किया था और उस रिसर्च के आधार पर उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर्स, QAIB। पिछले 40 सालों में S&P 500 ने कितना रिटर्न दिया और एक एवरेज इन्वेस्टर ने कितना रिटर्न प्राप्त किया, उसका तुलनात्मक अभ्यास उसमें किया गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि S&P 500 ने जो रिटर्न दिया, जो फ्रीली अवेलेबल था, उससे आधा रिटर्न भी एवरेज या इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नहीं मिला है। उनके खुद के शब्द देखे तो, ओवर लास्ट 40 ईयर्स इन्वेस्टर्स हैव हिस्टोरिकली मैनेज टू गेट लेस देन हाफ द रिटर्न दैट वॉज अदरवाइज फ्रीली ऑफर्ड बाय S&P 500। इस रिसर्च पेपर के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स में एक पोस्ट लिखी गई है, वाई ओनली 5% ऑफ इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट वैन रिटर्न्स आर अवेलेबल टू ऑल। आज का ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि हम ये देख पाए कि क्या आप वो 5% ऑफ इन्वेस्टर्स में से हो जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। वेदांग ज्योतिष में धन के लिए सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के बारे में बातें की गई है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए फिफ्थ हाउस और 11th हाउस, दैट मीन्स फिफ्थ हाउस और 11th हाउस के मालिक की परिस्थिति क्या है, उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। ज्योतिष का एक प्रमाणभूत ग्रंथ है सर्वार्थ चिंतामणि, उसमें एक सूत्र दिया गया है, लाभेश तत्कारक दृष्टि योगात एवं वदन्ति यत्र धने बहुत्वम। अर्थात लाभ स्थान या 11th हाउस का मालिक जो भी हो और 11th हाउस का कारक जो कि गुरु है, अगर उन दोनों के बीच युति हो या प्रतियुति हो या दृष्टि का संबंध हो तो इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ मिलता है। अब सर्वार्थ चिंतामणि के ऊपर एक टीका लिखी गई है और उसमें इसी सूत्र में एक बात और ऐड की गई है और कहा गया है, पंचमेश लाभेश च तत्र कारक गुरु दृष्टि योगात धने बहुत्वम। अर्थात फिफ्थ हाउस या 11th हाउस का मालिक और गुरु के बीच अगर संबंध हो तो ही आदमी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकता है। सो अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस और 11th हाउस का मालिक और गुरु का संबंध है तो ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज आप पैसा नहीं कमा पाओगे। सो दिस इज द सूत्र। नाउ लेट अस एग्जामिन कि ये सूत्र, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से हिस्टोरिकली पैसा कमाया, क्या उनकी कुंडली में है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को प्रचलित कर दिया, जब उन्होंने ये फेमस कोट कहा, मिलियनर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर्स बट बिलियनर्स डू। ये व्यक्ति है JP Morgan। अगर हम JP Morgan की जन्म कुंडली देखें तो उनकी जन्म कुंडली में पांचवें स्थान का मालिक शुक्र है और 11वें स्थान का मालिक मंगल है। मंगल तो गुरु के साथ ही है और शुक्र को भी गुरु नवम दृष्टि से देखता है। सो लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 11th हाउस के साथ गुरु का संबंध स्पष्ट दिखता है। अगर हम आधुनिक मैनेजमेंट
जिन्होंने बहुत किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिन्होंने बहुत किया और जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, वॉरेन बफे की कुंडली देखे तो उनकी कुंडली में, उनकी जन्म लग्न की कुंडली में पांचवें स्थान का मालिक मंगल है और वह गुरु के साथ है, एवं 11वें स्थान को उनका कारक ग्रह गुरु देखता भी है। सो 5th हाउस और 11th हाउस के साथ गुरु का संबंध स्पष्ट दिखता है। अगर हम हमारे इंडियन इन्वेस्टमेंट मास्टर्स की बात करें और श्री राकेश झुनझुनवाला की चंद्र लग्न की कुंडली देखें, याद रहे कि जो मैंने योग कहा था कि पंचम स्थान और लाभ स्थान का मालिक और गुरु का संबंध जन्म लग्न में हो तो भी फल मिलता है, और अगर चंद्र लग्न की कुंडली में पांचवें स्थान का और 11वें स्थान का मालिक और गुरु का संबंध होता है तो भी उतना ही धन मिलता है। सो ये योग हमको जन्म लग्न से भी देखना है और चंद्र लग्न की कुंडली से भी देखना है। सो हम राकेश झुनझुनवाला की चंद्र लग्न की कुंडली देखेंगे। तो इनकी कुंडली में पांचवें स्थान का मालिक शनि गुरु के साथ है एवं 11वें स्थान के मालिक सूर्य को गुरु देख रहा है। अब राकेश जी जिनको अपना गुरु मानते हैं, वैसे डी मार्ट के ओनर राधा कृष्ण दामानी की जो कुंडली अगर हम देखें और उनकी अगर चंद्र लग्न की कुंडली देखें तो वहाँ पर गुरु 11th हाउस में ही है, एवं 5th हाउस के स्वामी स्वगुरु ही मंगल को गुरु देखता भी है। 11वें स्थान का मालिक शुक्र है और शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग हो रहा है। दैट मीन्स 5th हाउस और 11th हाउस और गुरु का संबंध चंद्र लग्न की कुंडली में स्पष्ट दिखता है। समय में अगर थोड़ा पीछे जाए और फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर जॉन बोगर की कुंडली देखे तो उनके चंद्र लग्न की कुंडली में पांचवें स्थान का मालिक सूर्य गुरु के साथ है एवं 11वें स्थान के मालिक शनि को गुरु नवम दृष्टि से देख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमाया, और सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश भाई अंबानी की। उनकी जन्म लग्न की कुंडली में गुरु स्वयं ही लाभ स्थान में बैठा है एवं 11th हाउस के स्वामी सूर्य को गुरु नवम दृष्टि से देखता भी है। अगर हम उनके चंद्र लग्न की कुंडली देखें तो भी 11th हाउस का स्वामी शुक्र होता है और उसको भी गुरु नवम दृष्टि से देखता है। अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें और मार्क जकरबर्ग की कुंडली देखें, उनकी चंद्र लग्न की कुंडली देखें, तो 11th हाउस का स्वामी सूर्य और उसको पंचम दृष्टि से गुरु देख रहा है। 11th हाउस का स्वामी सूर्य है और गुरु उसको पंचम दृष्टि से देख रहा है, एवं लाभेश सूर्य और पंचमे शनि प्रतियुति में या ऑपोजिशन में है। दैट मीन्स 5th हाउस 11th हाउस उन दोनों की प्रतियुति और गुरु का संबंध स्पष्ट दिखता है। अब थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं और स्त्री शक्ति की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की कुंडली आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उनकी कुंडली में 11th हाउस का स्वामी शुक्र हो रहा है और वह स्वगुरु ही होकर गुरु के साथ बैठा है 4थे स्थान में। अगर चंद्र लग्न की कुंडली देखे तो वहाँ पर भी पंचम स्थान का मालिक शुक्र स्वगुरु ही होकर गुरु के साथ है। इसके बाद गौरी शाहरुख खान की कुंडली देखें तो गुरु 11th हाउस में उस स्थान के मालिक शुक्र के साथ बैठा है। स्वगुरु ही शुक्र की 11th हाउस में गुरु के साथ युति इन्वेस्टमेंट से अकल्पनीय लाभ दर्शाती है। अगर वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें और फेमस एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में 5th हाउस का मालिक मंगल गुरु के साथ ही है एवं
इलेवंथ हाउस के मालिक शुक्र को गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपरा विनफ्रे की कुंडली। उनकी चंद्र लग्न की कुंडली में इलेवंथ हाउस के मालिक बुध को नवम दृष्टि से गुरु देख रहा है। कुल मिला के फ्रेंड्स, आपका पंचम स्थान का मालिक, आपका इलेवंथ हाउस का मालिक और गुरु का संबंध अगर हो रहा है आपकी जन्म लग्न की कुंडली में या चंद्र लग्न की कुंडली में, तो ही आपको स्टॉक मार्केट से फायदा है, तो ही आप वो 5% इन्वेस्टर्स में आ रहे हो जिनको स्टॉक मार्केट से लाभ है। हिस्टोरिकली भी देखा गया है और एस्ट्रोलॉजिकल भी ये देखा गया है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको इवेंचुअली स्टॉक मार्केट से नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। मित्रों, ये महानुभावों की कुंडली जिनको मैंने आपके सामने पेश किया, उनकी कुंडली को नेट के आधार पर, प्रचलित सोर्स के आधार पर या नेट के आधार पर या अन्य पुस्तकों के आधार पर जो दी गई थी, उनका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस, उनके आधार पर ये कुंडली दी गई है ताकि मैं ये सिद्धांत आपके सामने पेश कर सकूं। अगर उनकी कुंडली में या उनके टाइम में या उनके जन्म लग्न की या चंद्र लग्न की कुंडली में अगर थोड़ा बहुत चेंज है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा ध्यान दौड़ना, कमेंट देना और हमारी रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा मिले इसलिए बहुत सारी कमेंट भी देना। याद रहे, अगेन आई एम रिपीटिंग, पंचम स्थान, इलेवंथ स्थान और गुरु का संबंध आपकी कुंडली में हो, जन्म लग्न की कुंडली में या चंद्र लग्न की कुंडली में, तो ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। शुभम भवतु, प्रणाम।